दोस्तों लिखने वाले ने भी क्या खूब लिखा है कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, जिसकी मंजिल आसमां है, रास्ता उसे खुद बनाना है, रास्ता उसे खुद बनाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय गुप्ता, लाया हूं एक छोटी सी कहानी आपके लिए। दोस्तों एक बार की बात है, एक बाज का अंडा मुर्गी के घोंसले में जा गिरा और कुछ समय पश्चात उसमें से जब मुर्गी के चूजे निकले और वह बाज का बच्चा भी निकला, वह वही हरकतें करता और घुल मिल सा गया उन चूजों के साथ। कभी दाना खाता, कभी इधर उधर जाता, कभी थोड़ा ऊंचाई तक उड़ान भरता और फिर वापस अपने घोंसले में आकर आराम से रहता। अचानक एक दिनों बाद उस चूजे ने और बाज के बच्चे ने देखा कि आसमान में एक बहुत विशाल पक्षी अपनी उड़ान भर रहा है। तब उस बाज के बच्चे ने मुर्गी के बच्चियों से पूछा कि यह कौन सा पक्षी है इतनी शानदार उड़ान भर रहा है। तब चूजों ने कहा कि अरे वह तो बहुत ही विशाल पक्षी है जिसे बाज कहते हैं, वह बहुत ही ताकतवर और बहुत ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है, लेकिन तुम तो एक चूजे के बच्चे हो, तुम उतनी ऊंची उड़ान नहीं भर सकते हो। बस क्या, फिर वही बाज का बच्चा उनकी बात मान लेता है और कुछ नहीं करता, ठीक उसी प्रकार से वही हरकतें करता जो चूजे करते। समय बीतता जाता है और एक समय ऐसा आता है जब वह बाज का बच्चा अपनी काबिलियत लिए हुए खत्म हो जाता है। दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके कहने में आ जाते हैं कि हाँ हम वह काम नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग आपको कहते हैं कि आप वह काम नहीं कर सकते हो, लेकिन दूसरा कर सकता है, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है और आप अपने आप को मान लेते हो कि हाँ मैं उस काम को नहीं कर सकता। आप उस बाज के बच्चे की तरह हैं जो आप अपनी संभावनाएं लिए हुए हैं, आप सारे काम कर सकते हैं, हर संभव काम कर सकते हैं, लेकिन आप खुद से ज़्यादा दूसरों में विश्वास जिस दिन कर लेते हैं आप अपनी ज़िंदगी को उस दिन हार जाते हैं। दोस्तों ज़िंदगी में कुछ नया करना है, कुछ बड़ा करना है, तो आपको अपनी ज़िंदगी में वो सोचना होगा, वो करना होगा जो आप कर सकते हैं। और इंसान हर संभव कोशिश करे तो हर एक काम हो सकता है, यहाँ तक कि इंसान पृथ्वी से लेकर चंद्रमा और अंतरिक्ष तक जा चुका है। तो यकीन मानिए कि आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, बस अंदर से अपने आप को आत्मविश्वास से भरिए, जोश और जुनून के साथ भरिए। दोस्तों बातें पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त संजय गुप्ता सपना। हमारी और भी कहानियाँ आप देख सकते हैं, मोटिवेशनल कहानियाँ हमारे ही चैनल पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।